आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। शाहरुख, सलमान खान, अक्षय कुमार ने सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री बदर बिन फरहान अल सऊदी से की मुलाकात। मरते दम तक अभिनय करता रहूंगा, कैंसर से जूझकर सिनेमा में लौटने पर संजय दत्त ने कहा। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वर्ल्ड कप खिताब जीता, फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। हम इंडो पैसिफिक में नियम आधारित स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए खड़े हैं, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना भारत की प्रमुख प्राथमिकता है, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर बैन, FB, ट्विटर, व्हाट्सएप हुए आउट ऑफ सर्विस। बिहार में भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में स्कूलों का समय बदला, अब सिर्फ मॉर्निंग में चलेगी कक्षाएं। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति हिंदुओं के हर्षोल्लास पर पथराव साबित हो रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। राजस्थान के करौली में RSS के नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव, शहर में धारा 144 लागू। करौली की घटना के लिए कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने कहा। शिवपाल यादव की नाराजगी के बीच अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 5 अप्रैल को होगी कांग्रेस संसदीय दल की जनरल बॉडी की मीटिंग। 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दिया, मीडिया रिपोर्ट ने कहा। चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना, 13,146 नए केस सामने आए। कोरोना के नए वेरिएंट XE की दस्तक, WHO ने बताया ओमिक्रोन से 10% ज्यादा संक्रामक। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा में लश्कर का एक और सहयोगी गिरफ्तार। फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 103.41 तो डीजल 94.67 रुपए प्रति लीटर हुआ। 2021-22 में उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने की रिकॉर्ड 36,208.44 करोड़ रुपए की कमाई। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA शराब क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। वाराणसी में नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा ने पत्नी के साथ काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल के बोल, मदरसों में मिलेगी राष्ट्रवाद की शिक्षा, न्याय पंचायतों में बनेगी गौशाला, कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश, गार्ड घायल, मरियम नवाज ने दी जानकारी। श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, समुद्री सीमा लांघने का आरोप लगाया। राजस्थान में करौली में पथराव के बाद इंटरनेट बंद, 4 अप्रैल की देर रात तक रहेगा कर्फ्यू। करौली की घटना पर DG पुलिस से बात की है, लोग शांति बनाए रखें, अशोक गहलोत ने कहा। तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात $418 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। जहरीली शराब कांड, आबकारी के DO समेत 26 अधिकारी और कर्मचारी दोषी, 106 लोगों की हुई थी मौत, DM ने शासन को भेजी रिपोर्ट। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 जिलों के उपायुक्त बदले गए। IPL 2022, गुजरात टाइटंस की लगातार दूसरी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। गुजरात में फिर बढ़ने लगे कोविड केस। कानपुर में रेव मोती मॉल में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, काबू करने में लगी फायर ब्रिगेड। रूसी मिसाइल ने तबाह की यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। यूक्रेन पर युद्ध के खिलाफ रूस के 15 शहरों में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने 180 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका यूक्रेन को $30 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजेगा। यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए $300 मिलियन और देगा अमेरिका। पहले दिल्ली, फिर पंजाब, अब तैयारी गुजरात की। अहमदाबाद रोड शो में बोले CM भगवंत मान, केजरीवाल ने कहा केम छो। गूगल एक eSIM पर 2 कैरियर कनेक्शन की अनुमति देने के लिए Android 13 पर काम कर रहा है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचा नुकसान, UNESCO ने कहा। भगवंत मान ने गुजरात में सिख समाज के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। श्रीलंका ने पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे 600 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। ED ने लॉटरी घोटाला मामले में 409.92 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। इंजीनियरिंग सामान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता। वित्त वर्ष 2012 में मारुति सुजुकी ने 2,38,000 इकाइयों का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया। नेचुरल गैस की कीमत बढ़ने से ONGC को $3 बिलियन और रिलायंस को $1.5 बिलियन का होगा फायदा। 12 अप्रैल को डेब्यू करेगी हॉर्ले डेविडसन की नई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, स्पोर्टस्टर S से कम कीमत पर होगी लॉन्च। न्यू मारुति XL6 21 अप्रैल को दस्तक देगी मारुति की न्यू कार। महाराष्ट्र में LTT जयनगर पवन एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतरे। हैदराबाद के 5 सितारा होटल में रेव पार्टी का भंडाफोड़। यूपी में अयोध्या में रामलला को भोग लगा, प्रसाद खाकर भक्त हुए गदगद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुरू की निशुल्क सीता रसोई।
भारत बड़ी आर्थिक रिकवरी के रास्ते पर, सरकार के सुधार रख रहे मजबूत नींव, नीति आयोग वीसी राजीव कुमार ने कहा। हरियाणा को पानी दो, पहले 400 हिंदी भाषी गांव, सीएम खट्टर पंजाब सरकार को कहे। गुजरात में भाजपा शिक्षा को बेच रही है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। भगवंत मान ने गुजरात में कांग्रेस या बीजेपी को हराने नहीं, गुजरातियों को जिताने आया हूं, केजरीवाल ने कहा। मनीष गुप्ता हत्याकांड, आरोपी इंस्पेक्टर के 3 मंजिला घर पर चला बाबा का बुलडोजर, लखनऊ में बनाया था आलीशान घर। जोस बटलर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जड़ा शतक, इस सीजन की पहली सेंचुरी। हरिद्वार में कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, सत्ता के नशे में चूर इमरान खान का ड्रामा खत्म। इमरान खान ने पाक सेना प्रमुख की प्राथमिकताओं से खिलवाड़ किया, रक्षा विशेषज्ञ ने कहा। भारत तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपतियों ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन ट्रांजिट कॉरिडोर पर अशबाबाद समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला, विदेश मंत्रालय ने कहा। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्रेडिट लाइन, ईंधन, भोजन का विस्तार किया। लखनऊ में एलडीए ने बनाया नया ऐप, एक क्लिक पर उपलब्ध होगा अवैध निर्माण और कार्रवाई का ब्यौरा। और आइए अब जानते हैं 4 मार्च का क्या है इतिहास। 1722 में जेकब रोजर विन ने पूर्वी आयरलैंड की खोज की। 1768 में फिलिप एस्ले ने मॉडर्न सर्कस का पहला शो पेश किया। 1858 में 4 अप्रैल के दिन अंग्रेजी सेना के खिलाफ भीषण संघर्ष के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ना पड़ा था। 1905 में भारत में कांगड़ा घाटी में भूकंप आया जिसमें 20,000 लोग मारे गए और कांगड़ा, मैक्लियोडगंज और धर्मशाला में अधिकांश इमारतें नष्ट हो गई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।